हाथेगांव में दिव्यांगों को सामग्री और उपकरण का वितरण किया गया। इसमें ट्राई साइकिल, एमएसआईडी किट, वैसाखी व्हीलचेयर और अन्य उपकरण प्रदान किए गए। इंद्रप्रस्थ गार्डन में विधायक आशीष शर्मा ने इनका वितरण किया। खातेगांव नगर परिषद द्वारा नगर के 19 दिव्यांग जनों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। दिव्यांग जनों को समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि दिव्यांग जनों की मदद हर व्यक्ति को करना चाहिए। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। पंचायत खातेगांव द्वारा माननीय विधायक जी महोदय की अध्यक्षता में दिव्यांग जनों को विभिन्न उपकरण दिए गए हैं। इस तरह के कार्यक्रम पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में भी किए गए थे और आगे बराबर ये प्रयास चलता रहता है। जो भी व्यक्ति इस तरह के संपर्क में आते हैं उनके आवेदन लेकर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। आगे भी प्रयास रहेगा कि दिव्यांग व्यक्तियों को शासन की ओर से जितनी भी अधिकतम मदद की जा सके। आज कितने दिव्यांग जन लाभान्वित हुए हैं? आज यहाँ पर 19 दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया है। धन्यवाद। पंचायत द्वारा जो दिव्यांग जनों को उपकरण वितरण किया, क्या मामला है पूरा बताइए। नगर पंचायत परिषद द्वारा सामाजिक न्याय निःशक्तता विभाग के द्वारा उन दिव्यांग जनों को उपकरण दिए गए हैं जो कुछ समय से उपकरणों की मांग कर रहे थे। बहुविकलांग, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित, सेरेबल पाल्सी के मरीज, इन सब लगभग 19 लोगों को यहाँ पर उपकरण का वितरण किया गया है। निश्चित ही दिव्यांगजन समाज की धरोहर है, उनको सरकार से और समाज से इतना संबल और इतना स्नेह मिलना चाहिए ताकि वो अपनी उस परिस्थिति पर निराश नहीं हो, हताश नहीं हो और उन्हें भी ये लगे कि चाहे हमें किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि आई है, मानसिक व्याधि आई है, लेकिन समाज और परिवार हमें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। यही नज़रिया समाज का होना चाहिए। निश्चित ही सामाजिक न्याय एवं निःशक्तता विभाग माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में दिव्यांगों को उपकरण प्रदान करने के मामले में विश्व स्तरीय का काम कर रहा है और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में भी आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम इस तरह के शिविर लगाएंगे और वहाँ पर जो दिव्यांगजन शेष रह गए हैं उन तक भी यह उपकरण पहुँचाए जाए। आज खातेगांव में कितने दिव्यांगजनों को? लगभग 20 दिव्यांगजनों के लिए उपकरण मंगवाए गए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।